नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार विधान परिषद के बाहर भारी हंगामा देखा जा रहा है और ये हंगामा कोई और नहीं बल्कि ग्राम रक्षा दल की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि सरकार से अपनी मांग को सामने रखते हुए अलग अलग जिलों से ग्राम रक्षा दल के जो सदस्य हैं वो आज बिहार विधान परिषद के बाहर ये हंगामा कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस कर्मी जो है वो भी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद उस हंगामे को शांत कराया गया। सबसे पहले आपको हंगामे की ये तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही साथ ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्होंने रोते हुए अपनी बातों को सामने रखी है। पहले आप उस पूरे वीडियो को आप इस फिर से पूरी बात बताइए, आप इस फिर से पूरी बात मांग क्या है, मांग क्या है, आप इस फिर से पूरी बात बताइए, क्या मांग है, क्या परेशानी है सर? हम लोग पंचायती राज अधिनियम के तहत वर्ष 2012 से ग्राम रक्षा दल से पुलिस में नियुक्ति की गई। हम लोग सरकार की जितनी योजना होती है, शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन, जितना भी रोकथाम होता है सब में काम करते हैं सरकार के द्वारा। हम लोग को लाठीचार्ज वर्दी मिला, लेकिन सर 12 से लेकर अभी 20 तक हम लोग को 2 रुपया भी नहीं मिला। हम लोग नगर का है, नगर का है, बार बार आंदोलन करते हैं। माननीय सब राठौली से बुला के बात किए, सांसद आदेश से मिले, सब लोगों ने सिर्फ यही बोला कि आने वाला कल में आपकी पाई में पूरा किया जाएगा। अब बोले तो हम कहाँ जाएं? ये बताइए कि ये सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर प्रदर्शन मना है, यहाँ पर प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं सर? नहीं करेंगे कि सर क्या करें, हमारी आवाज तो सुन नहीं पाता, अंदर मुझे आना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बता दें कि दैनिक भत्ता मानदेय को लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और यही वजह है कि बिहार विधान परिषद के बाहर आज सरकार को घेरने की तैयारी ग्राम रक्षा दल की तरफ से की गई और यही वजह है कि अलग अलग जिलों से जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं वो वहां पहुंचे और उनकी तरफ से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में ASP काम्या मिश्रा का क्या कुछ कहना है, विरोध अशांत करवाने के बाद क्या कुछ कहा है काम्या मिश्रा ने, ये भी आप सुनिए। आप देखिए, आप बोलिए और नीचे करो ना भाई, चल चल भाई, नहीं आ रहा। ग्राम रक्षा दल के लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, उनको क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है उनको यहाँ से लेकर के गर्दनी बाग ले गया है जो एक्चुअली धरना स्थल है, क्योंकि इस एरिया में जो है क्योंकि नॉर्मल मूवमेंट भी अलाउड होता है तो किसी को एकदम से जुलूस बंद करके जो आता है उनको इजीली आइडेंटिफाई करके रोका जा सकता है, बट जो एकदम आ गए थे उनको उठा करके धरना स्थल गर्दनी बाग ले गया जाए, देयर इज नो चूक, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो बता दें कि सरकार से अपनी मांग को लेकर आज बिहार के अलग अलग जिले से छपरा, दरभंगा, सिवान, सारण, तमाम जिलों के जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं वो आज राजधानी पटना पहुंचे और बिहार विधान परिषद के बाहर सरकार को घेरने की तैयारी इन लोगों की तरफ से की गई थी। ऐसे में ASP काम्या मिश्रा जो है वो मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करवाते हुए जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उसे रोकने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। ऐसे में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का साफ तौर से कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही और यही वजह है कि आखिरकार आज उन्हें बिहार विधान परिषद के बाहर आकर इस तरह से हंगामा करना पड़ा है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आगे सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और जो मांगे इनकी तरफ से की जा रही है उसे सरकार कब पूरी करती है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।